हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है सोब्रिटी आफ्टर द इफोरिया ऑफ US स्टेट विजिट। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब समझाता हूँ। सोब्रिटी का मतलब क्या होता है ना, एक संयम आना, मतलब एक कंट्रोल आना किसी चीज़ के ऊपर, एक थोड़ा सा नियंत्रण आना, मतलब कामनेस आना, ये सारे मीनिंग जो हैं वो सोब्रिटी के हैं। तो मतलब शांति आना आफ्टर दी इफोरिया। इफोरिया का मतलब होता है एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह होना ऑफ US स्टेट विजिट। आपको पता है रिसेंटली अभी क्या हुआ था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने विजिट किया था US स्टेट को, मतलब वो USA में गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये जो जिसने ये आर्टिकल लिखा हुआ है उनका नाम है MK नारायणा। तो उन्होंने हेडिंग क्या लिखा हुआ है, सोब्रिटी, मतलब थोड़ा सा संयम आना, शांति आना एक्साइटमेंट के बाद जो हमें थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने US स्टेट को विज़िट किया, US कंट्री को विज़िट किया, उसके बाद जो शांति आना, कॉमनेस आना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हो गए थे, एंथुसियास्टिक हो गए थे, तो उसके बाद थोड़ी सी कॉमनेस आना, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब US विज़िट में क्या हुआ, क्या नई चेंजेस आई US की इंडिया के प्रति, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूंगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से एक बार पढ़ना। इसको जो इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो PDF होगा उसको मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स खुद से हाईलाइट किया होगा ताकि आपके जो पढ़ने के लिए जो आर्टिकल है वो एकदम ईजी हो जाए। तो एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद इसको जाके खुद से पढ़ो। ये जो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल रहते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके खुद के नॉलेज के लिए। एक अच्छा आंसर राइटिंग अगर आपको लिखना है, आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर होना है आपको, चाहे PCS हो, UPSC हो, तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे होते हैं। और जिन बच्चों को भी ये आर्टिकल समझ में नहीं आते हैं क्योंकि काफ़ी टफ वर्ड यूज़ करता है द हिंदू, तो आप मेरे से पढ़ लिया करो इनको और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ो, रेगुलरली एक दो महीना पढ़ो, उसके बाद आपको मेरे लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है, किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, दी इफोरिया, इफोरिया का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड मतलब एक्साइटमेंट होना, उत्साह होना, स्टेमिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन जून इज येट टू सबसाइड। सबसाइड का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ में थोड़ी सी कमी आना, ठीक है, उसको बोलते हैं सबसाइड। तो जो उत्साह हुआ था, जो इफोरिया हुआ था, स्टेमिंग का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना, तो जो इफोरिया एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हुई थी जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने विजिट किया था यूनाइटेड स्टेट्स को जून में, वो अभी तक कम नहीं हुई है। वो जो हमारी एक्साइटमेंट थी, हमारा मतलब उत्साह था, इज़ येट टू बी सबसाइड, मतलब अभी तक वो कम नहीं हुआ है, अभी उसको, अभी भी उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा कम होने में, जो हमें एक्साइटमेंट हुई थी, उत्साह हुआ था। उसके बाद क्या है, ऑल इंडिया कॉन्टिन्यूज टू सेवर द इमेजेस दैट मॉक द हाईली पब्लिसाइज्ड विजिट। तो जितना भी इंडिया है ना, वो लगातार क्या कर रहा है, सेवर, SAVOUR, इसका मतलब क्या होता है ना, मज़े लेना, मतलब आनंदित होना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है इमेजेस को देख के, जो कि मतलब इस ये जो विज़िट हुआ था, पब्लिसाइज्ड विज़िट हुआ था जो नरेंद्र मोदी ने किया था पब्लिकली, तो उसकी जो इमेजेस है ना, पूरा इंडिया उनको देख के लगातार जो है वो सेवियर हो रहा है, मतलब खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। उसके बाद क्या है, those with long memories of US-India relations in the past are hence left to wonder whether this is the same US that had let India down in the past at crucial moments. तो those with long memories, मतलब जो पहले के जानते हैं US-India relations के बारे में, उनको थोड़ा सा याद है, उनको memories है उनकी past में, वो वंडर में है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब चौकन्ने हो गए हैं, मतलब चौकन्ने इन द सेंस कि काफ़ी, वंडर का मतलब क्या होता है, मतलब उनको अजीबोगरीब लग रहा है, जादू की तरह लग रहा है कि ये वही US है जिसने इंडिया को काफ़ी बार लेट डाउन किया है, मतलब नीचे गिराने की कोशिश की है इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में, मतलब क्रूशियल मूवमेंट्स में। तो ये सारी हैरानी हो रही है। टू US presidents इन पर्टिकुलर
इसमें लाइंडन बी जॉनसन का नाम है 1963 एंड रिचर्ड निक्सन इन 1971 आर स्टिल रिमेम्बर्ड फॉर देयर इनफेमस रोल्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो दो जो यूएस के प्रेसिडेंट्स थे, एक तो लाइंडन थे 1963 के और एक रिचर्ड निक्सन थे 1971 के, इनको याद रखा जाता है। इन्होंने जो इनफेमस, मतलब इनफेमस का मतलब होता है जो इन्होंने अच्छा रोल प्ले नहीं किया था, इसी संदर्भ में, इसी रिस्पेक्ट में, जॉनसन फॉर डिनाइंग एड टू इंडिया इन दी वेक ऑफ चाइनीज परफिडियस अटैक ऑन इंडिया इन 1962। परफिडियस का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो। परफिडियस का मतलब होता है जो डिसलॉयल हो, मतलब बिल्कुल भी अच्छा ना हो, जो आपके साथ वफादारी ना करे। तो जॉनसन जब प्रेसिडेंट थे 1962 में, 63 में चाइना के, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह की एड मतलब हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब चाइना का जो परफिडियस मतलब एक डिसलॉयल, एक मतलब बिना वफादारी वाला जो अटैक हुआ था 1962 में, और निक्सन ने जब इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था 1971 में, उन्होंने क्या किया था, फॉर सेंडिंग द यूएस सेवंथ फ्लीट स्टीमिंग अप द बे ऑफ बंगाल इन ए शो ऑफ फोर्स अटेंडिंग टू डेटर इंडिया फ्रॉम सपोर्टिंग द लिबरेशन स्ट्रगल इन ईस्ट बंगाल। निक्सन ने क्या किया था 1961 का, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो उन्होंने सेवंथ फ्लीट शिप्स भेजी थी। शिप्स मतलब जो बोट होती है ना, समुद्रों में लड़ाकू जहाज होते हैं, वो भेजे थे बे ऑफ बंगाल में इन ए शो ऑफ फोर्स। उन्होंने एक फोर्स शो कराने की कोशिश की थी। उनका इंटेंट क्या था, मतलब उनका मकसद क्या था, टू डेटर इंडिया, डेटर का मतलब होता है रोकना, कि वो इंडिया को रोक सकें, जो लिबरेशन स्ट्रगल मूवमेंट चल रही है ईस्ट बंगाल में उसे वो रोक सकें। आपको पता है उसके बाद बांग्लादेश बना था, विच अल्टीमेटली लीड टू द बर्थ ऑफ ए न्यू नेशन बांग्लादेश, जिसके बाद क्या हुआ था, एक नया देश बना था बांग्लादेश। तो यूएस ने उसे भी रोकने की कोशिश की थी, अपनी फोर्सेस जो थी, अपनी जो शिप्स थी, वो वहां पे भेज दी थी बे ऑफ बंगाल में। तो ये दोनों प्रेसिडेंट इसलिए याद रखे जाते हैं कि उन्होंने किस तरह डिसलॉयल्टी दिखाई थी इंडिया के प्रति, इंडिया को लेट डाउन करने की कोशिश की थी। दिस टाइम देयर वॉज नो रूम बट सो एवर टू डाउट इन विच कॉर्नर द यूएस स्टैंड्स इन द रिलेशन टू इंडिया। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, अभी कोई भी मतलब जगह नहीं है डाउट करने के लिए कि यूएस जो है वो किस मतलब कहाँ स्टैंड करता है, यूएस अभी यूएस का रिलेशन कैसा है इंडिया के साथ। तो अभी हमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि यूएस जो है वो काफ़ी अच्छा रिलेशन रख रहा है इंडिया के साथ। द प्रॉमिस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सेवर एरियाज मोस्ट कॉन्स्पिशियसली इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइटर जेट्स इंजन्स फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड होल्डिंग आउट द प्रॉमिस ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्क्स ए रिमार्केबल टर्न इन द अमेरिकन एटीट्यूड। तो जो प्रॉमिस किया है उसने कि वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा कुछ एरियाज में इंडिया में, मोस्ट कंस्पिशियसली, कंस्पिशियसली मतलब होता है जो आपको मतलब सामने सामने क्लियरली दिख रहा है, किस वे में वो फाइटर जेट इंजन्स प्रोड्यूस करेगा इंडियन एयरफोर्स के लिए, ये भी उसने बोला है। और इस बात का भी उसने प्रॉमिस रखा है कि वो इनिशिएटिव करेगा ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको ICET नाम दिया गया है। ये एक रिमार्केबल टर्न दिखा रहा है अमेरिकन एटीट्यूड में, मतलब अमेरिका में काफ़ी बदलाव हुआ है, वो इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार हो गया, जो पहले कभी नहीं करता था। वो इंडिया के लिए फाइटर जेट इंजन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इस बात का भी होल्डिंग आउट द प्रॉमिस ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब ICET पे भी वो एक बात कर रहा है। तो ये हमें अमेरिका के एटीट्यूड में कुछ चेंजेस दिखाता है। ऑल दिस एंड विद मैनी मोर एग्रीमेंट्स ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ऑन द एनविल, एंड ऑन द एनविल का मतलब क्या होता है, ऑन द एनविल का मतलब होता है कि इनके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है, ऑन द एनविल का मतलब ये होता है। तो ऑल दिस मतलब जो भी हमने ऊपर बात की, और भी बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर जिनके ऊपर अभी बात चल रही है, वो ऑन द एनविल है। कुड लीड टू ए क्वांटम जंप इन इंडियाज मिलिट्री एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़, और इससे क्या हो सकता है, इससे हमारी जो क्वांटम जंप मतलब एक लंबा जंप हो सकता है हमारी इंडिया की जो मिलिट्री है उसमें, और जो एरोस्पेस मतलब स्पेस को लेकर जो टेक्नोलॉजीज में, इससे इंडिया में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। मैनी आर बाउंड टू व्यू दिस एज एन अटैम्प्ट बाई द यू एस टू परसुएड इंडिया टू एक्सेप्ट एन अलायंस स्टेटस। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इसको मतलब वो मजबूर हो गया, बाउंड का मतलब होता है मजबूर हो गए हैं, इसको ऐसे देख रहे हैं वो कि एक अटैम्प्ट है यू एस के द्वारा ताकि वो इंडिया को परसुएड कर सके। परसुएड का मतलब होता है मनाना, किसी को विश्वास दिलाना।
कि वो एक्सेप्ट ए अलायंस स्टेटस, मतलब वो यूएस का एक साथी बन जाए, बिस ऑफ बिस का मतलब होता है किसी के रिलेशन में, किसके रिलेशन में, यूएस के रिलेशन में, मतलब यूएस का एक अलायंस बन जाए, एक पार्टनर बन जाए। और बहुत सारे लोग ये जो हेल्प दे रहा है ना यूएस, ये जो मदद कर रहा है इंडिया की, उसको इस संदर्भ में देख रहे हैं कि यूएस चाहता है वो इंडिया का एक अलायंस बन जाए। लेकिन आपको पता है इंडिया जो है वो यूएस का एकदम साथी नहीं बन सकता है, जैसा यूएस डिमांड कर रहा है वैसा रिलेशन इंडिया नहीं रख सकता है यूएस के साथ, क्योंकि यूएस जो है ना उसका रशिया के साथ भी प्रॉब्लम है और चाइना के साथ भी प्रॉब्लम है। इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो मतलब लगातार अटैक कर रहा है इंडियन बॉर्डर पे, तो वो मतलब यूएस के साथ मिलना इंडिया के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूएस को, यूएस यही चाहता है, बहुत लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं। द फाइन प्रिंट ऑन द रिसेंट नेगोशिएशंस डज नॉट हाउएवर इंडिकेट दिस एज ए पॉसिबिलिटी एट दिस टाइम। लेकिन जो फाइन प्रिंट का मतलब क्या होता है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट्स, जो भी रिसेंट नेगोशिएशंस हुई हैं, मतलब जो बातचीत हुई हैं, वो हमें इंडिकेट नहीं करते हैं एज ए पॉसिबिलिटी एट दिस टाइम, मतलब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हमें कम बता रहे हैं कि जो रिसेंट नेगोशिएशंस हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, उनमें जो फाइन प्रिंट हुआ है, मतलब जो रिटर्न लिखा हुआ है, उसमें हमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है कि इंडिया जो है वो क्या अलायंस बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजिक टाइज आर सर्टन टू अटेन ए न्यू डायमेंशन। जो स्ट्रेटजी को लेकर जो टाइज हैं, जो रिलेशन है, आर सर्टन, सर्टन का मतलब होता है वो निश्चित रूप से एक न्यू डायमेंशन, मतलब एक नया स्थान ले रहे हैं, नई चेंजेस आ रही हैं। एंड द यूएस साइड सर्टनली होप्स इट कुड लीड टू ए डीपर, मोर इफेक्टिव एंड मोर डाइवर्स डिफेंस पार्टनरशिप्स। और यूएस जो है ना वो मतलब इस चीज़ की उम्मीद कर रही है, सर्टनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, इस चीज़ की उम्मीद कर रही है कि इससे क्या होगा, एक डीपर मतलब एक अच्छे और इफेक्टिव और एक डाइवर्स मतलब अलग अलग जो है वो डिफेंस पार्टनरशिप्स होंगी और अच्छे रिलेशन बनेंगे। Yet and despite India's attractiveness to the US has a huge market for goods and increasingly as a destination for state-of-the-art military items, there are miles to go before India is viewed as a alliance partner. मतलब हालांकि, yet का मतलब होता है हालांकि, and despite का मतलब होता है मतलब कुछ होने के बावजूद भी, मतलब despite का मतलब भी हालांकि होता है, और yet का मतलब होता है अभी तक। इंडिया की जो अट्रैक्टिवनेस है US के प्रति, India's attractiveness किसको, to the US as a huge market for goods, मतलब उसको एक बहुत बड़ी मार्केट मानता है, और स्टेट ऑफ द मिलिट्री आइटम्स, और उसको एक डेस्टिनेशन मानता है स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री आइटम्स के लिए। मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है जिसमें नई टेक्नोलॉजीज यूज हों, तो उसको मतलब वो जो आइटम्स हैं उनको वो बेच सकता है, एक नई डेस्टिनेशन मानता है वहाँ पे। लेकिन फिर भी देयर आर माइल्स टू गो बिफोर इंडिया इज़ व्यूड एज ए अलायंस पार्टनर, मतलब अभी हमें बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, इंडिया को एक अलायंस पार्टनर देखना है, मतलब एक साथी देखना है यूएस का, तो उसके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। हालांकि जो है इंडिया की जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिवनेस है यूएस के प्रति, और उसको एक अच्छी मार्केट की तरह जो है वो इंडिया देखता है, सॉरी यूएस देखता है। उसके बाद क्या है, Perceptions on what constitutes a successful visit often vary, but all things considered, the Prime Minister visit to the US this time should be deemed a major success. Perceptions का मतलब होता है अलग अलग समझ या फिर विचार करना। Perceptions on what constitutes a successful visit often vary, मतलब लोगों की जो समझ है कि एक successful visit क्या होता है, वो शायद अलग अलग हो सकती है, मतलब वो vary कर सकती है। But all things considered, लेकिन अगर हम लोग सभी चीज़ों को देखें, जो Prime Minister's visit है ना US को, the Prime Minister visit to the US this time should be deemed a major success, deemed का मतलब होता है मानना, उसको हम लोग एक major success की तरह देख सकते हैं। And as enhancing India's position as Prime Minister Defense Technological Partner of the US, इन्हेंसिंग का मतलब होता है बढ़ाना, और उसको हम लोग मतलब इंडिया की जो पोजीशन है उसको वो बढ़ा रहा है, एज ए प्राइम डिफेंस टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बना रहा है यूएस का जो ये विजिट है। इट इज़ सर्टन टू नॉट ओनली फेवरेबली इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशन बट आल्सो इंडिया स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, मतलब ये क्लियरली निश्चित रूप से क्या करेगा, सिर्फ इंडिया की जो है फेवरेबली इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया को, और इंडिया की जो है वो स्टैंडिंग है, जो पोजीशन है ना वर्ल्ड में, उसको भी जो है वो इम्पैक्ट करेगा, उसको भी सुधारेगा। अब बात करेंगे हम लोग इंडियास विजिट्स देन एंड नाउ, मतलब पास्ट में इंडिया के विजिट कैसे रहे हैं, इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर के इंडिया के जो विजिट किए हैं यूएस में, और अभी का जो विजिट है वो कैसा है। इंडियन विजिट्स देन एंड नाउ, एवरी इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ कोर्स एंटाइटल्ड टू हिज और हर प्लेस इन द सन। इन द सन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को अच्छे से करना, मतलब अच्छे से करने की कोशिश करना, सही से निभाना। तो जितने भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, ऑफ कोर्स एंटाइटल का मतलब होता है हकदारी होना, ठीक है, उनकी हकदारी थी कि वो अपने आप को मतलब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर शो करवाएं जब वो फॉरेन में जाएं।
इन दिस सन शो करवाएं। ए गुड विजिट टू द यूएस बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज जनरली व्यूड एज एज वन क्लियर इंडेक्स ऑफ इंडिया स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। एक अच्छा विजिट यूएस को जाना, मतलब एक अच्छा विजिट करना किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसको देखा जाता है एज वन क्लियर इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है एक माप तोल करना, मतलब उसको एक इंडेक्स देखा जाता है कि इंडिया की जो स्टैंडिंग है पूरे कमिटी ऑफ नेशंस में, मतलब जो ग्रुप ऑफ नेशन है उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इट इज़ हैंड स्टैम्पिंग टू कंपेयर मिस्टर मोदीज लेटेस्ट विजिट विद दोज ऑफ द अदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये काफ़ी टैम्पटिंग होगा, मतलब काफ़ी मज़ेदार होगा। टैम्पटिंग का मतलब होता है काफ़ी प्रलोभन, मतलब काफ़ी मज़ेदार होना कि पीएम मोदी का जो लेटेस्ट विजिट है और जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स का विजिट था जब वो इंडिपेंडेंस के बाद, उन सबको कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा टैम्पटिंग होगा, काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी प्रलोभन होगा। देयर वर विजिट्स बाय जवाहरलाल नेहरू, ही मीट विद हैरी ड्वाइट एंड जॉन कैनेडी। तो प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा विजिट किए, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से वहाँ पे वो मिले। और जो लाल बहादुर शास्त्री, विजिट नेवर हैपन इन दी एंड, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका कभी विजिट नहीं हुआ। बाई इंदिरा गांधी विजिट टू वॉशिंगटन एज प्राइम मिनिस्टर वॉज ए डिजास्टर ऑफ सॉर्ट्स। सॉर्ट्स का मतलब होता है टाइप्स, जितने भी प्रकार के विजिट्स है ना, जो इंदिरा गांधी का जो विजिट था ना उसको एक डिजास्टर माना जाता है। विथ बोथ इंडिया एंड यूएस हैविंग दियर ओन वर्जन ऑफ वट ट्रांसपायर्ड। वट ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को देखने का तरीका। तो उसमें यूएस और इंडिया के अपने अपने वर्जन थे, अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को देख रहे थे। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधीज विजिट वॉज बाय ऑल अकाउंट्स डीम्ड एज ए सक्सेस। डीम्ड का मतलब होता है मानना। जो राजीव गांधी का विजिट था ना उसको हम किसी भी अकाउंट में देखें, मतलब किसी भी संदर्भ में देखें, उसको हम लोग एक सक्सेस मान सकते हैं। ब्रेकिंग मैनी प्रीवियस शिबोलिस का मतलब क्या होता है, जो पुरानी परंपराएं चल रही होती है ना, जो मतलब पुराने बिलीफ थे, जो राजीव गांधी का विजिट था उन्होंने उन सबको ब्रेक कर दिया। एडमिटेडली मतलब इस चीज़ को मानना पड़ेगा, नन ऑफ देम मैच द इफोरिया क्रिएटेड बाय द विजिट ऑफ टू लेटर डे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड मिस्टर मोदी। लेकिन इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि जितने भी जो विजिट हुए थे ना, नन ऑफ देम मैच द इफोरिया। इफोरिया मतलब जो अभी जो एक्साइटमेंट हुई है ना, जो हमारे लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा क्रिएट की गई है जब उन्होंने विजिट किया यूएस में, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, पुराने किसी के साथ भी आप लोग मैच नहीं कर सकते। अभी बहुत ज़्यादा इफोरिया हुआ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई। ओनली द मोस्ट फूल हार्डी वुड पॉसिबली अटैम्प्ट ए कंपैरिजन बिटवीन द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो मतलब कोई फूल हार्डी, मतलब कोई बहुत ही अजीब किस्म का या फिर मूर्ख व्यक्ति होगा जो अटैम्प्ट करेगा, कंपेयर करने की कोशिश करेगा जो विजिट हुए बिटवीन द विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ड्यूरिंग हिज टेन्योर, स्पेशली द वन इन जो कि 2005 में हुआ, एंड मिस्टर मोदीज लेटेस्ट एंडियोवर। और जो मिस्टर मोदी का अभी लेटेस्ट एंडियोवर था, एंडियोवर का मतलब होता है प्रयास करना। द क्वेश्चन अपरमोस्ट इन एवरी माइंड्स वुड बी वेदर एंडिंग न्यूक्लियर अपर्थीड इम्पोस्ड ऑन इंडिया आफ्टर द 1974 न्यूक्लियर टेस्ट बुद्धा इज स्माइलिंग, और द डिफेंस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू अचीव ड्यूरिंग हिज रिसेंट विजिट आर मोर सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर। तो सबके माइंड में एक अपरमोस्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन एवरी माइंड वो ये हो सकता है, सॉरी वो ये हो सकता है कि जो वेदर एंडिंग न्यूक्लियर, मतलब जो न्यूक्लियर डील के बाद जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे उनको जो वो जो एंड हुए, जो कि 1974 जब हमने इसको न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद लगाए गए थे, क्या वो सबसे बेस्ट था, या फिर जो डिफेंस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ में हमें जीत मिलना। तो अभी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है यूएस, तो जो भी रिसेंट विजिट के थ्रू हमने अचीव किया है इसमें से सबसे ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट अच्छा कौन होगा इंडिया के फ्यूचर के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन है माइंड में। जब मनमोहन सिंह यूएस गए थे तो उस टाइम पे न्यूक्लियर डील हुई थी, जो काफ़ी मतलब सैंक्शंस लगे थे वो काफ़ी कम हुए थे इंडिया के ऊपर। और अभी क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। यूएस जो है वो टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो गया इंडिया के साथ, और भी डिफेंस जो टाइज हैं उनको अच्छा कर रहा है। तो मतलब सबके माइंड में ये क्वेश्चन है कि मोर सिग्निफिकेंट कौन सा था, जो मनमोहन सिंह का विजिट था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट था। अब हम लोग बात करेंगे द सिविल न्यूक्लियर डील मार्क्ड ए शिफ्ट, मतलब जब हमारे बीच में न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में, उसे एक शिफ्ट हुआ, एक चेंज हुआ। एडमिटेडली मतलब हमें यह मानना पड़ेगा, द ओपनिंग अप ऑफ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस मार्क द बिगनिंग ऑफ ए टेक्टोनिक शिफ्ट इन ग्लोबल अफेयर्स एट द स्टार्ट ऑफ 21st सेंचुरी अनमैच्ड बिफोर एंड सिंस। हमें ये मानना पड़ेगा कि जब हमने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है इंडिया और यूएस के बीच में हुआ, इससे क्या हुआ, एक नई टेक्टोनिक शिफ्ट हुई पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में 21st सेंचुरी के स्टार्ट में। और ऐसा अनमैच्ड, मतलब ये चीज़ें अनमैच्ड थी, ना पहले हुई थी और ना कभी मतलब
इससे पहले हुई थी और ना उसके बाद हुई। सिक्योरिंग ए वेवर, वेवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में थोड़ी सी छूट मिलना, डील मिलना, तो सिक्योरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज़ को सिक्योर करना। सिक्योरिंग ए वेवर अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी एंड ओपोनिंग द अप्रूवल ऑफ द US कांग्रेस फॉर द आइकोनिक 123 एग्रीमेंट्स दैट पेव द वे फॉर एन इंडियन स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सब्सिक्वेंटली वर नॉट मेयरली अनप्रेसिडेंटेड। तो क्या हुआ, जो हमें एक वेवर मिला मतलब एक छूट मिली, किसके अंदर में, नॉन प्रोलीफरेशन जो ट्रीटी हुई थी, नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी 1968 में हुई थी, ये उन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी जो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर कंट्रीज थी, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते थे, या फिर जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज थी। ये इस डील के, ये डील ये थी कि हम लोग जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, ये थी नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी। तो इंडिया को इसमें कुछ छूट मिली, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बनाने की थोड़ी सी जो है वो मतलब इसमें जो सैंक्शंस लगी हुई थी इंडिया के ऊपर, उसमें थोड़ी सी इंडिया को छूट मिली इस चीज़ को सिक्योर करना, मतलब इस चीज़ को प्राप्त करना, जो अंडर न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी और अप्रूवल लेना US कांग्रेस का 123 आइकॉनिक एग्रीमेंट्स के लिए, जिसने इंडिया एक रास्ता तय किया, एक रास्ता खोला, इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट हुआ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के साथ। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, बट नॉट मेयरली अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसा इस तरह की ट्रीटीज़ जो है वो पहले कभी नहीं हुई थी, बट इसको हम लोग वन टाइम अचीवमेंट मान सकते हैं, मतलब एक टाइम की अचीवमेंट मान सकते हैं। द लाइक ऑफ विच हैव फ्यू इक्वल्स इन द अनॉल्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसे ही पहले भी इक्वल मतलब इक्वल्स अनॉल्स का मतलब होता है जो समझौते हो रहे हैं लगातार, तो ऐसा पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको अनप्रेसिडेंटेड मानेंगे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें पहले भी हुई हैं जिनको हम इक्वल मान सकते हैं। एज ए रिजल्ट इंडिया टुडे हैज़ द फ्रीडम टू मेंटेन ए सेलेक्ट नंबर ऑफ रिएक्टर्स आउटसाइड IAEA सेफगार्ड, इसी का रिजल्ट है कि हम लोग जो है ना कुछ रिएक्टर्स बना सकते हैं, मतलब कुछ हथियार बना सकते हैं, और किससे, आउटसाइड IAEA सेफगार्ड, जितनी हमें जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जितना हमें जो है परमिशन देती है उसके आउटसाइड हम लोग उससे ज़्यादा बना सकते हैं रिएक्टर्स, इनेबलिंग इट टू यूटिलाइज देम फॉर मिलिट्री पर्पसेस, और हम इसको यूज़ कर सके हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए, इसकी भी हमें प्राप्ति हुई है। द फ्रीडम ऑफ इंडिया करंटली इंजॉयज फॉर रीप्रोसेसिंग एंड एनरिचमेंट और अदर क्रिटिकल आउटकम्स दैट स्टेम फ्रॉम द विजिट, तो जो फ्रीडम इंडिया करंटली जो फ्रीडम इंडिया करंटली इंजॉयज फॉर रीप्रोसेसिंग एंड एनरिचमेंट और अदर क्रिटिकल आउटकम दैट सीम स्टेम्ड फ्रॉम दी विजिट, स्टेम्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, तो जो फ्रीडम इंडिया है ना वो उसकी जो रीप्रोसेसिंग है, एनरिचमेंट है, वो भी कुछ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट हैं जो कि इस विजिट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब हमें थोड़ी सी और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है। बट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट इज दैट ऑल दिस वॉज अचीव्ड डिस्पाइट द इंटायर US एस्टेब्लिशमेंट विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ प्रेजिडेंट जॉर्ज बुश बींग अपोज टू दिस कंसेशन, कंसेशन का मतलब होता है छूट देना। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जो हमें न्यूक्लियर डील के मामले में जो हमें वेवर मिला, मतलब जो हमें छूट मिली, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस चीज़ को नोट करना है कि हमने ये सारी चीज़ें अचीव की इसके बावजूद भी कि जितनी भी जो इंटायर US एस्टेब्लिशमेंट थी, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट थी, अगर हम लोग प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को छोड़ दें, सोल का मतलब होता है अकेले प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को अगर हम लोग छोड़ दें, वो इस चीज़ इन कंसेशंस को अपोज कर रहे थे, मतलब ये छूट जो इंडिया को मिल रही थी उसको अपोज कर रहे थे कि इंडिया को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन जॉर्ज बुश ने अकेले इंडिया को जो है वो सपोर्ट किया, और ये टेस्टमनी है, टेस्टमनी का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रमाण, गवाही है टू द नेचर ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड बिटवीन देन US प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ये इस बात की टेस्टिमनी है, गवाही है कि किस तरह सा रिलेशन एग्जिस्ट करता था उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह में, वो बंदा अकेला खड़ा रहा, उसने सपोर्ट किया और कुछ जो है वो कंसेशंस मिली इंडिया को न्यूक्लियर डील के मामले में। सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, हैज सच ए शिफ्ट बीन विटनेस इन दी ग्लोबल एरिना, मतलब ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में हम लोग कभी कभी ही जो है ना ऐसा शिफ्ट देखते हैं ड्यू सोलली टू द पर्सनल केमिस्ट्री बिटवीन लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज, सिर्फ सोलली मतलब अकेले किसके कारण, क्योंकि दो लीडर्स के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री थी। ए टेस्टमनी टू द सिविलाइजेशन एट्रीब्यूट्स ऑफ टू लीडर्स एट ए टाइम, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, किसी चीज़ में गुण होना, तो ये एक गवाही है जो सिविलाइजेशन मतलब पब्लिक को लेके जो गुण थे, प्रॉपर्टी थी दो लीडर्स के बीच में उस टाइम पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ड्यूरिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टेट विजिट टू द US इन 2009 द पीस डी रेसिस्टेंस वॉज द एक्सचेंजेस बिटवीन टू ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट
कैरिबल लीडर्स एट ए टाइम विस US प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह मिस्टर ओबामा रिमार्क्स एट द स्टार्ट ऑफ हिज प्राइवेट मीटिंग विद डॉक्टर सिंह यू आर माई गुरु। तो जब मनमोहन सिंह ने विजिट किया था 2009 में US में, तो उन्होंने क्या बोला था, ये मतलब दो चीज़ें एक्सचेंज हुई थी, दी पीस डी रेसिस्टेंस। पीस डी रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, इंपॉर्टेंट या फिर रिमार्केबल चीज़ हो। तो उन्होंने बोला था दी पीस डी रेसिस्टेंस वॉज दी एक्सचेंजेस बिटवीन टू ऑफ दी वर्ल्ड्स मोस्ट कैरिबरल, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा जिनमें क्षमता हो, ये वर्ड्स जो है वो एक्सचेंज हुए थे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। विस का मतलब होता है अथार्थ, मतलब इसका मतलब क्या है, US प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह दोनों ने इस चीज़ को एक्सचेंज किया था। मिस्टर बराक ओबामा रिमार्क्स एट द स्टार्ट ऑफ हिज प्राइवेट मीटिंग विद डॉक्टर सिंह यू आर माई गुरु, उन्होंने यू आर माई मतलब गुरु बोला था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बट फॉलोड वॉज एन एवलॉन्ची ऑफ रिजल्ट, इस कारण क्या हुआ, बहुत सारे हमें रिजल्ट मिले, मतलब एक पूरा तूफान आया रिजल्ट्स का। एंड देयर वॉज नो ऑब्वियस क्विड प्रो एक्सपेक्टेड और सॉट फॉर, और इसके लिए हमें कोई क्विड प्रो क्यों करने की जरूरत भी नहीं थी। क्विड प्रो को क्यों का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो उससे उसके बदले में कोई चीज़ लेना, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। और सॉट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को मांगना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बोथ इन 2005 एंड इन 2009 इट वॉज एविडेंट दैट इट वॉज इंडियाज रेपुटेशन एज ए सिविलाइजेशनल एंटिटी दैट सीम टू बे विद US लीडर्स एट द टाइम। 2005 और 2009 दोनों टाइम पे हमें पता चला कि ये एक मतलब ये एविडेंट हुआ, मतलब इस चीज़ का प्रमाण मिला कि इंडिया की जो रेपुटेशन है, इंडिया को जिस तरह से देखा जाता है एक सिविलाइजेशन एंटिटी, ये क्या हो रहा है, वे हो रही है, मतलब इसका तोल हो रहा है, मतलब बराबर बैठ रही है US लीडर्स के साथ एट दैट टाइम, मतलब इंडिया की रेपुटेशन की वजह से इंडिया को चीज़ें मिल रही हैं। बी कॉशियस मतलब सतर्क रहें, लुक एट हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री में भी देखना पड़ेगा कि US और इंडिया के कैसे रिलेशन रहे हैं, उसकी वजह से हमें कॉशियस भी होना पड़ेगा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द 21st सेंचुरी इज सर्टनली डिफरेंट इन मैनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम द US इन द लेट 20th सेंचुरी। तो जो US है ना 21st सेंचुरी का, वो क्लियरली सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से वो डिफरेंट है बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में US से, अगर हम लोग पिछली लास्ट 20th सेंचुरी की बात करें। In the euphoria that exists following Mr. Modi's visit, it is, however, desirable for India to be cautious and heed the lessons of history. तो मतलब in the euphoria, euphoria का मतलब होता है excitement जो अभी बनी हुई है, जो Mr. Modi का जो visit था उसके कारण बनी हुई है, लेकिन ये भी जरूरी है, ये भी desirable है इंडिया के लिए कि वो cautious रहे, सतर्क रहे और history से lesson ले। heed का मतलब वो क्या होता है, heed का मतलब भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। heed का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति सतर्क रहना, मतलब उसको attention देना, तो जो इंडिया को lesson मिले हैं history से उसको भी उसको देखना पड़ेगा। इंडिया सर्टनली इज़ नॉट एट लीस्ट एट दिस स्टेज द काइंड ऑफ ally दैट द US seeks or demands। इंडिया अभी उस पोजीशन में नहीं है जिस तरह का ally मतलब साथी US इंडिया को बनाना चाहता है या फिर वो डिमांड करता है। Moreover, US politics is currently in the state of flux. Flux का मतलब क्या होता है, बहाव, मतलब ओपन है वो। US की जो पॉलिटिक्स है ना बाकी कंट्रीज़ के लिए इस टाइम पे ओपन है, मोर सो देन एट मोस्ट टाइम्स इन द पास्ट। अगर हम लोग पीछे से कंपेयर करें, पिछले सालों से, पिछले दशकों से, तो अभी सबसे ज़्यादा ओपन है US की इकनॉमी। द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज ऑफ द US प्रेजिडेंट इन ऑफिस एंड द स्विंग फैक्टर इन US फॉरन पॉलिसी और अदर एस्पेक्ट्स दैट फॉरन कंट्रीज इंडिया इंक्लूडेड कैन सेल्डम कंप्रीहेंड एडिक्वेटली। तो जो शिफ्ट हुआ है US के जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं या फिर जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, बाकी संदर्भ हैं उनकी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, उसमें चाहे वो इंडिया हो या फिर बाकी कंट्रीज़ हो, उनको अकेले, सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, तो उसको वो सेल्डम कॉम्प्रीहेंड एडिक्वेटली, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, तो वो US की जो भी फॉरेन पॉलिसी है ना उसको वो मतलब उसके जो फॉरेन एस्पेक्ट्स हैं उसको इंडिया जो है ना अच्छे से समझ सकती है। इंडिया अगेन इज़ नॉट अनफैमिलियर विद द वे द US चेंजेस इट्स प्रायोरिटीज एंड फ्रेंड्स। तो इंडिया जो है ना कोई अनफैमिलियर नहीं है, मतलब कोई अनजान नहीं है कि किस तरह से US अपनी प्रायोरिटीज, उसकी जो मतलब जिसको जिस पे उसको फोकस करना है और उसके फ्रेंड्स जो है वो किस तरह से चेंज करती है। कॉन्सिक्वेंटली एंड डिस्पाइट द वॉर्म्थ ऑफ द रिसेप्शन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोदी इन वॉशिंगटन, मतलब जिस तरह का उनका वेलकम हुआ, वॉर्म्थ और जिस तरह की उनको मतलब उनका स्वागत किया गया US में, इंडिया शुड रियलाइज दैट इट कैनॉट एट एनी टाइम बी द काइंड ऑफ अलाइड दैट द US सीक्स। इंडिया कभी भी उस तरह का साथी नहीं बन सकता US का, इंडिया को ये समझना होगा जिस तरह का US सीक करता है, मतलब डिमांड करता है। सोबर लीडर ऑन बोथ साइड मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड दैट द करंट इफोरिया इन रिलेशन नॉट विद स्टैंडिंग दिस सिचुएशन हैज़ बीन डेडिकेटेड ड्यू टू सर्कमस्टेंस रैदर दैन कन्विक्शन।
तो जो भी सोबर लीडर्स हैं, मतलब सोबर का मतलब होता है जो भी सीरियस लीडर्स हैं ना दोनों साइड में, उनको इस चीज़ को समझना होगा, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि जो करंट इफोरिया है, मतलब जो एक्साइटमेंट है दोनों के रिलेशन में, इन स्पाइट ऑफ नॉट विंडस्टैंडिंग का मतलब होता है, मतलब किसी के बावजूद जो सिचुएशन है ना वो सरकमस्टेंसेस की वजह से है, मतलब सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, ना कि कन्विक्शन की वजह से। कन्विक्शन मतलब होता है किसी चीज़ को खुद करना, जानबूझ के करना। दिस मस्ट नॉट बी लॉस्ट साइट फॉर ऑफ बाय इंडिया इन पर्टिकुलर, तो इस मतलब दिस मस्ट नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ बाय इंडिया इन पर्टिकुलर, मतलब इंडिया जो इंडिया की जो है ना एक लास्ट साइट नहीं है, इंडिया इसको जो है मतलब खो नहीं सकता है। पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें, फॉर इंस्टेंस इंडिया कैन नॉट पॉसिबली बी पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट सच एज ऑकस पैक्ट दैट बाइंड्स द यूएस विद द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया जो है ना ये जो एग्रीमेंट है ऑकस, जिसमें यूएस है यूनाइटेड किंगडम के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसका हिस्सा इंडिया नहीं बन सकता है। द फंडामेंटल, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ जो है ना वो रशिया के खिलाफ है और इंडिया जो है वो रशिया का सपोर्टर है। द फंडामेंटल्स अंडरलाइनिंग द क्वाड, जिसमें इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस हैं ऑकस हैं, वो बहुत ज़्यादा दोनों में जो जिनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया मस्ट इंस्टेड यूज़ द आउटकम ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू स्किलफुली फंक्शन एज ए ब्रिज पावर। इंडिया को मतलब ये जो आउटकम है, जो रिजल्ट मिल रहा है इंडिया को यूएस विजिट का, उसको स्किलफुली यूज़ करना चाहिए एक ब्रिज पावर की तरह, मतलब लोगों को जोड़ने के लिए। इट इज़ एमिनेंटली सूटेड टू प्ले सच ए रोल एंड शुड नॉट बी इनवेगल्ड। इनवेगल्ड का मतलब होता है मोह माया में फंसना। तो इंडिया को एक ब्रिज पावर की तरह मतलब रोल अपना निभाना चाहिए, ना कि उसको ज़्यादा लालच करना चाहिए थ्रू ब्लैंडिशमेंट्स। ब्लैंडिशमेंट्स का मतलब भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मतलब जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं उसमें इंडिया को नहीं फंसना चाहिए, चाहे वो डिफेंस टाइज हो। टू प्ले द रोल ऑफ ए सबनोट टू द यूएस इन द पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पैसिफिक, और ना ही उसको जो है ना एक सबॉर्डिनेट की तरह, मतलब साथी की तरह यूज़ होना चाहिए यूएस का उसकी एशिया पैसिफिक पॉलिटिक्स के लिए। इंडियाज़ पोटेंशियल शुड बी मार्शल टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज इन द इंडो पैसिफिक एंड वेस्ट एशिया एंड इन यूरोप। इंडिया का पोटेंशियल जो है ना वो ये होना चाहिए एक मार्शल की तरह काम करना, मतलब लोगों को जोड़ने के लिए काम करना। मार्शल का मतलब क्या होता है, शुड बी मार्शल्ड टू एक्ट एज ए, मार्शल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बना होना, तो वो एक मतलब एक्ट कर सकता है लोगों को जोड़ने के लिए। दिस कुड बी द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स लेदर्स विजिट टू द यूएस। ये एक एंड्योरिंग का मतलब होता है मतलब सहन करने की लेगेसी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएस को, विच हैज़ ओकेशन सो मच ऑफ इंटरेस्ट नॉट ओनली इन द यूएस एंड इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को। इट इज़ फॉर इंडिया टू सीज द मूवमेंट एंड प्ले इट्स राइटफुल रोल। इंडिया के लिए अभी एक मूवमेंट है कि वो सही तरीके से काम करे और एक राइटफुल रोल प्ले करे पूरे वर्ल्ड में। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल, थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा फास्ट पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, पूरी डिटेल रिलेशनशिप, पास्ट में रिलेशन क्या था यूएस के साथ, अभी रिलेशन कैसा है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो रेगुलरली आप इन लेक्चर्स को देखो, जिसको वीडियो अच्छा लगा है सबसे पहले प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करना, और जो नया बच्चा जुड़ा है ना टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली रात को मेरा वीडियो अपलोड होता है। जैसे ही अपलोड होता है ना मैं आपको लिंक भेज देता हूँ टेलीग्राम पे, और पीडीएफ भी चाहे उस दिन मिले या फिर दूसरे दिन मिले, लेकिन पीडीएफ भी मैं आपको भेज देता हूँ, तो एक बार उसको खुद से भी रीड किया करो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।